सवाल है कि अदल इंसाफ कैसे कायम हो, उसके उसूल कैसे कायम हो। अदल इंसाफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इंसान के दो ऐब अल्लाह ने बयान किए कि इंसान जालिम है और इंसान जाहिल है, इल्म के एतबार से जहालत और अमल के एतबार से जुल्म, इंसान की दो बीमारियां हैं। अदल को कायम करने के लिए सबसे पहले हुकूक़ मालूम होने चाहिए, किसका कितना हक है। जिसका जितना हक है पहले मालूम किया जाए और फिर उसको उसका वो हक़ दिया जाए, अपने आप इंसाफ कायम होता है। इसके लिए अगर हमारे पास कुव्वत है तो हम उस कुव्वत के ज़रिए से उसको नाफिस करें। मसलन इस्लामी हुकूमत है और कोई आदमी किसी पर जुल्म करता है तो जाहिर बात है कि हुकूमत पुलिस मिलके क्या करेंगे, उसको ज़बरदस्ती उसको नाफिस करेंगे, इससे छीन के उसको देंगे जिसका इसने लिया है। लेकिन अगर नहीं है तो नसीहत के ज़रिए से किसी इंसान को सुधार के इंसाफ कायम करना चाहिए।